हाय फ्रेंड्स, आज पकवानों में जाकर मैं एक ऐसी आज चॉकलेट बर्फी बना रही हूँ जो टू इन वन है। उसमें दो तरह के आपको टेस्ट आएंगे, एक तो चॉकलेट का भी आएगा और मोतीचूर लड्डू का भी आएगा। तो बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने कढ़ाई गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे मिल्टन, और उसमें जो बूंदी 4 बूंदी के लड्डू लिए हैं उस मोतीचूर के, उसको मैंने तोड़ के डाल दिया है, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे। यदि आपके पास ग्रीन हरे वाले लड्डू मिलते हैं ना बूंदी के, वो मिले तो ले लीजिए, मुझे नहीं मिला था इसलिए मैं फूड कलर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मिनिमम सीड डालेंगे 1 टेबल स्पून, खरबूजे के बीज, और ये बादाम मैंने महीन महीन काट के डाले हैं। यदि आपको और भी ड्राई फ्रूट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट भून लेंगे, क्योंकि जो मैंने फूड कलर डाला है ना उसका गीलापन इसमें रह ना जाए लिक्विड, इसलिए ये हो गया। मैं इसको निकाल ले रही हूँ अलग प्लेट में। ये कितना अच्छा कलर आया है, इसे मुझे ग्रीन वाले लड्डू नहीं मिले थे इसलिए मुझे ग्रीन कलर डालना पड़ा। आपको मिल जाए तो भी आपको ग्रीन कलर डाल। अब मैंने नीचे ही कढ़ाई रखी है, अभी गैस पे नहीं चढ़ाई है। इसमें 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे, 1/4 कप दूध डाल देंगे, और 1 कप भर के मैंने मिल्क पाउडर डाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप मेरे चैनल में अभी पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको पहले पता चल जाएगी। तो उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, लंप्स नहीं रह जाना चाहिए। अब इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मुझे इसको पकाना है। थोड़ा देर पका लेंगे, पहले लगातार चलाते रहना। अब इसमें 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दिया है। आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए शुगर पाउडर नहीं डाला क्योंकि गर्म उसको चलाते रहेंगे तो अपने आप चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब इसे लगातार चलाते हुए ठीक करना है, क्योंकि हमको इसका मावा बनाना है। तो लगातार किनारे जो लग जा रहा है उसको छुड़ाते जाए और बीच में मिक्स करते जाए। 1 मिनट भी आप जो हाथ रुकेगा तो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा, फिर जल जाएगा। ऐसे इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाइए, लगातार चलाते रहिए। देखिए ठीक हो रहा है, थोड़ा सा मुझे और करना है, एकदम मावा जैसा नहीं करना है, क्योंकि जब गर्म गर्म नीचे उतार लेंगे फिर चलाते रहेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे करते रहेंगे बस। अब हम देखिए इतना गाढ़ा हो गया, बस थोड़ा सा और करेंगे फिर गैस बंद कर देंगे। मेरा हो गया है, अब इसको नीचे ही चलाएंगे तो अपने आप और गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर बर्फ जमा नहीं पाएंगे। अब बंद कर दिया गैस, मैं निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने 1 कप शुरू में दिखाया था ना वाइट चॉकलेट थी, उसको मेल्ट कर लिया डबल बॉयलर में, मैंने मेल्ट करके रखा है। जितना मिल्क पाउडर था उतनी ही चॉकलेट थी। ये डार्क कंपाउंड मिलता है, उसमें का जो 4 भाग होते हैं ना कंपाउंड, पूरा पैकेट लेंगे तो वाइट चॉकलेट कंपाउंड, उसमें का 1 भाग मैंने पूरा ले लिया था, एक हिस्सा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ मिल जाए। अब इसका हम आधा पहले जो मोल्ड में जो हमको बर्फी जमानी है उसको पहले से मैंने घी लगा के ग्रेस कर लिया था, आधा इसमें हाफ डाल लेंगे, हाफ में बाद में यूज़ करेंगे। अच्छे से फैला लेंगे, ये देखिए मेरा हो गया है। अब मैं जो बूंदी वाला लेयर वो मिक्स बनाया था ना ड्राई फ्रूट डाल के ग्रीन कलर का, इसको मैं पूरे में डाल के इसकी दूसरी लेयर इसकी लगा दूँगी। अब जो मैंने आधा बचा के रखा था उसको भी ऊपर से डाल देंगे। देखिए कितना ठीक हो गया था, ज़्यादा अगर करते अगर पूरा पहले से एकदम ठीक कर लेते तो फिर जमता नहीं। अब इसको धीरे धीरे दबा के पूरे में फैला लेंगे, थोड़ा सा भी और रखा, ये मेरा पूरा फैल गया। और ये 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये 1 घंटा हो गया, मैं इसको निकाल लेंगे, टैप कर दूँगी, आराम से निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने घी लगा के रखा था इसमें, मैंने निकाला है। अब इसको मैं साइड से पहले हल्का सा काट के निकाल दूँगी, मैंने काट के निकाल दिया है। अब इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे,
धीरे स्पर्जिंग हाथ से नहीं छुएंगे, नहीं तो सब हाथ में ही लग जाएगा। अब इसको अपने मन चाहे पसंद में बड़ी छोटी स्क्वायर से रेक्टेंगल से जो भी शेप में आपको पसंद है बर्फी का काट लेंगे। अभी फ्रीज से निकाला है ना तो थोड़ी आड़े बाद में एकदम नॉर्मल हो जाएगी, जैसी मिठाई होती है वैसी एकदम रहेगी। देखिए बन गई बहुत ही टेस्टी मिठाई, इसमें आपको चॉकलेट और मोतीचूर के लड्डू दोनों का टेस्ट आएगा। जो भी खाएगा जिसको भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ नहीं करते नहीं थकेंगे। इसको बनाइए खाइए इंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।